हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ब्यूटी टिप्स इन हिंदी चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ इस बेल आइकन घंटे को दबाएं जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। हर कोई चाहता है कि उनका चेहरा बेदाग और गोरा नजर आए। वो बात और है कि आधुनिकता के इस जमाने में चेहरे की रंगत गायब होती जा रही है। ऐसे में कई लोग गोरे होने के नुस्खे आजमाने लगते हैं, कुछ गोरा होने के उपाय खोजने में लग जाते हैं। आपको रंग गोरा करने के उपाय बता रहे हैं जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। गुलाब जल। गुलाब जल कैसे उपयोग करें? गुलाब जल में रुई को भिगोकर रोज इससे अपना चेहरा साफ करें। आप पानी में गुलाब जल मिलाकर भी चेहरा धो सकते हैं। आप हर रोज 2 बार गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं। कैसे फायदेमंद है गुलाब जल? न सिर्फ आपके चेहरे को ताजगी देता है और निखारता है, बल्कि त्वचा संबंधी परेशानियां जैसे जलन और खुजली को भी कम करता है। यह संवेदनशील और तैलीय त्वचा के लिए ज्यादा असरदार है। यह त्वचा के दाग धब्बों को कम करता है और पीएच के स्तर को सुधारता है। गुलाब जल में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण त्वचा की गंदगी निकालकर त्वचा को साफ करते हैं। अपने घरेलू फेस पैक और स्क्रब में भी गंगा जल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी सामग्री। ग्रीन टी के टो बैग जिसे आपने इस्तेमाल कर लिया है, या पानी में डूबे हुई ग्रीन टी बैग। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद बनाने और लगाने की विधि। ग्रीन टी बैग को कटकर उसमें से पाउडर को निकाल लें। अब इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। इसे अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए सूखने दें, फिर इसे पानी से धो लें। आप इसे हर दूसरे दिन लगा सकते हैं। कैसे फायदेमंद है? ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो आपकी त्वचा को स्वस्थ और जवां बनाता है। जब सूरज की हानिकारक किरणों और प्रदूषण के कारण होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति से आपकी त्वचा का बचाव होगा तो आपकी त्वचा की रंगत अपने आप निखरने लगती है। शहद सामग्री। 1 चम्मच शहद, चुटकी भर हल्दी, आधा चम्मच ग्लिसरीन बनाने और लगाने की विधि। हल्दी और ग्लिसरीन को शहद में मिलाएं। अब इस मिश्रण को चेहरे पर लगा लें और सूखने के बाद इसे पानी से धो लें। आप इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। कैसे फायदेमंद है यह घरेलू फेस पैक? आपकी त्वचा को हाइड्रेट व मॉइस्चराइज करेगा और त्वचा में चमक लाएगा। शहद के औषधीय और एंटीबैक्टीरियल गुण हर तरह की त्वचा के लिए और त्वचा संबंधी परेशानियों के लिए फायदेमंद होता है। वहीं हल्दी त्वचा को निखारती है, जबकि ग्लिसरीन त्वचा को हाइड्रेट करता है और त्वचा में प्राकृतिक चमक लाता है। बेसन सामग्री। 2 चम्मच बेसन, 4 चम्मच गुलाब जल बनाने और लगाने की विधि। बेसन में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर थोड़ा मालिश करें और सूखने के लिए छोड़ दें। फिर जब भी आप पूरी तरह से सूख जाए तो इसे धो लें। आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। कैसे फायदेमंद है? गोरे होने के तरीके के लिए बेसन का इस्तेमाल न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बेसन त्वचा के पीएच को संतुलित करता है और त्वचा से गंदगी को निकालकर रंग को साफ करता है। यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को निकालकर नई कोशिकाएं बनने में मदद करता है और त्वचा को गोरा करता है।